मंदसौर में पिछले एक सप्ताह से अभिनंदन कॉलोनी निवासियों द्वारा टावर हटाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कॉलोनी में एक निजी मकान क्रमांक 152 के ऊपर एयरटेल कंपनी का टावर लगाया गया था, उसको हटाने के लिए कॉलोनी के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि टावर से रेडिएशन फैलता है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। आज सोमवार करीब 4 बजे विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह अभिनंदन कॉलोनी पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि एसडीएम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश पारित किया था। इसका पालन न करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ 188 IPC का मुकदमा कायम होता है। बताया कि स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि टावर यहां लगे, लोगों में भारी आक्रोश था, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासनिक तरीके से इसको हटा दिया गया। देखिए, जनता व्यवस्थाओं को लेकर के भी अपनी बात रखने का अधिकार रखती है, और उनकी निगाह में अगर कोई मानसिकता में, मन में अगर कोई अव्यवस्था का प्रश्न आता है तब भी वो अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, और अधिकार दो ही पक्षों से रखते हैं, शासन से और प्रशासन से। और अभिनंदन क्षेत्र में जिस प्रकार से टावर स्थापित हो गया था, अनुमति दी भी गई थी, अनुमति निरस्त भी की गई थी, और उसके बाद जो कंपनी थी वो कंपनी कन्विंस नहीं कर पा रही थी। नतीजतन जनता उद्वेलित हुई, शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन किया, 8 दिन से यहाँ पर धरना किया जा रहा था, जिस जो हमारे भी संज्ञान में था, आदरणीय कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में था, आदरणीय SP साहब के भी संज्ञान में था, और अंतोगत्वा जिस प्रकार से सहमति हुई टावर हटाने के लिए, कंपनी राजी हुई, और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से जो सूचना पत्र जाते हैं, जो नोटिसेस जाते हैं, जो सवाल जवाब किया जाता है, उन सबके कारण से जो दबाव भी बना है, उस दबाव के कारण से अंतोगत्वा उस कंपनी को यहाँ से हटना पड़ा। और मेयर कलेक्टर साहब तो सिर्फ इसीलिए आया कि आपने आंदोलन खड़ा किया था और आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, तो हमारी जवाबदारी होती है कि हम आपका इस बात को लेकर के व्यवहार व्यक्त करें कि कहीं चिंगारी नहीं लगी, ऐसा वायलेंस उपस्थित नहीं हुआ, ऐसी घटनाक्रम उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण से कानून व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो। आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है, तो मेरा और कलेक्टर साहब का ये भी दायित्व बनता था कि हम दोनों आवें और आपको इस बात के लिए आज कहें कि अब चूंकि आपका आंदोलन समाप्त हो गया है, आप सब उठिए, अपने अपने काम पर लगिए, और 8 तारीख को गौरव दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी दोपहर 2 बजे कॉलेज के मैदान में आएंगे, आप सब आइए, और मंदसौर शहर का जो गौरव दिवस है उस गौरव को आप कायम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलोनी वासियों का एवं कलेक्टर साहब का एवं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। और क्षेत्रवासी जो हम यहाँ पर रहने वाले थे वो रात को 12-1 बजे तक हम यहाँ पर बैठ कर और हमने धरना दिया, बहुत शांतिपूर्ण धरना दिया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गायत्री त्रिवेदी। टावर भी हट रहा है क्या? ये एक्चुअली लोक न्यूसेंस का मामला था, और जो स्थानीय SDM है उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश पारित किया था। इसका पालन ना करने पे दोषी व्यक्ति के खिलाफ 188 IPC का मुकदमा कायम होता है। चूँकि स्थानीय लोग नहीं चाहते थे, लेकिन भारी आक्रोश था, लोगों कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासनिक तरीके से इसको हटाने के निर्देश। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।